नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेहद संवेदनशील कार्यक्रम में, सियासत कितने पानी में। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी, जी हाँ, श्वेता भट्टाचार्य, आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुलदीप पठानिया मेरे साथ हैं और शाम 4 बजे का वक्त है और इस दौरान इसमें हम चर्चा करते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों रखते हैं कि लोग डिसाइड करें। लेकिन आज मुझे लगता है श्वेता, ये पक्ष और विपक्ष को रखने का मुद्दा नहीं है, आज बड़ा ये संजीदा मुद्दा है। हम चर्चा करेंगे, लोग समझ सके कि वाकई हमारी सियासत इतने पानी में जा चुकी है, क्योंकि कल देर रात 11:40 पर उन्नाव की पीड़िता ने, गैंगरेप पीड़िता ने आखिरकार दम तोड़ दिया। उसे इलाज देने के लिए डॉक्टरों ने पूरी हिम्मत दिखाई, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जो उसके साथ बीता था उसकी भरपाई नहीं। और सबसे बड़ी बात कुलदीप, कि वो जीना चाहती थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसके हौसले की तारीफ कर रहे थे, वो बार बार डॉक्टर से यही कह रही थी कि क्या मैं जिंदा बचूंगी। उसके आखिरी शब्द यही है कि मैं अपनी आंखों से अपने गुनहगारों को फांसी की सजा दे। ऐसे में भी अगर रोंगटे खड़े नहीं होते हैं सियासतदानों के, तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में सियासत। बड़ा सवाल यही है और इसी पर चर्चा करें। एक और बेटी ने दम तोड़ दिया। उन्नाव गैंगरेप की पीड़ित ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। पीड़ित को हैवानों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद लखनऊ से उसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया था, लेकिन वो मौत से जंग जीत नहीं पाई। मरने से पहले उसने सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाई, अपने भाई से आरोपियों को सजा दिलवाने का वादा भी लिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, हमको अब इस मामले से कुछ लेना देना, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा लास्ट पॉइंट है, क्योंकि मुलजिम है नहीं, जिसने बड़े जिगर से ये केस जीते हैं, लड़ाए हैं, और हम कुछ नहीं कर पाए हैं। बस उसका आखिरी पॉइंट यही था और वही हमें चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमें बस यही चाहिए। मेरी बहन ने ये बोला है कि भैया ये 5 नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हमने कहा नहीं रहेंगे, बस यही हुआ है और कुछ नहीं। देश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उससे देश में आक्रोश व्याप्त है। लोग अब रेप के आरोपियों पर हैदराबाद पुलिस जैसा इंसाफ चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर इस तरह के मामलों पर सियासत भी हो रही है। उन्नाव गैंगरेप पीड़ित की मौत के बाद राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। सियासी दल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया और मौजूदा सरकार पर जमकर सवाल उठाए। जो बेटी के साथ हुआ है, बहादुर थी, उसके आखिरी शब्द भी यही थे कि वो जिंदा रहना चाहती थी। उन्नाव की बेटी वो जिंदा रह करके और डॉक्टरों से यही कह रही थी कि क्या वो जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। वो जिंदा रहने के लिए डॉक्टर जो थे इलाज कर रहे थे, उनसे कहा उसने, और सबकी कोशिशों के बाद भी, सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। ये हमारे लिए, जो आज के समय पर हम जो लोग समाज में रह रहे हैं, हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी, हमसे न्याय नहीं दे पा रहे। और ये उत्तर प्रदेश की और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। याद कीजिए वो समय जब मुख्यमंत्री आवास के सामने बेटी आकर करके अपने लिए न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला उसको, उसे आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर के FIR लिखी गई। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्नाव गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात की और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर BJP सरकार पर आरोप भी लगाए। उन्नाव में देखा है, उन्नाव में पिछले 11 महीनों में तकरीबन 90 बलात्कार हुए,
जब ये पिछला हादसा हुआ उन्नाव का आपने देखा क्या स्थिति थी। सरकार ने अपराधियों की सुरक्षा की अंत तक, जब तक उस महिला का पूरा परिवार नष्ट हुआ तब तक। आप सोच सकते हैं कि एक महिला के लिए इन परिस्थितियों में कितना मुश्किल होगा और कितना धैर्य होगा उनमें कि वो लड़ाई लड़ रही थी। उन्नाव के बाद आपने मैनपुरी में देखा, संभल में देखा, अब उन्नाव में दोबारा एक हादसा हुआ और वो लड़की भी इतने धैर्य से लड़ी है, इतनी हिम्मत से लड़ी है। किस तरह से महिलाएं विश्वास रखें सरकार। अब सवाल ये है कि जो भी पार्टी सत्ता से बाहर होती है वो सत्ताधारी दल पर आरोप लगाती है, क्योंकि राजनीति चमकाने का मौका उन्हें मिल जाता है। सत्ताधारी दल जब विपक्ष में था तो वो भी इस तरह से धरना प्रदर्शन करता रहा, इससे इनकी संवेदनशीलता का पता चलता है। एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पार्टियां संवेदनशील हैं भी या नहीं। सियासत की गहराई का एहसास भी इसी से हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R19। तो जब कार्रवाई वक्त से नहीं होती है उसका कोई फायदा नहीं होता, जब इंसाफ वक्त से नहीं मिलता है तो उसकी दरकार भी नहीं रहती, और ऐसा ही जब इलाज वक्त से नहीं मिलता है तो फिर इस तरीके से दुनिया छोड़ के जाना भी पड़ता है। इतना बेहद संजीदा मुद्दा ये, जहां पर एक महज कुछ ही सालों के उन्नाव में ये पीड़िता, जो कि पहले गैंगरेप की पीड़िता या शिकार हो चुकी है गैंगरेप की, उसके बावजूद 1.5 साल बाद फिर उसे कब्जे में लिया जाता है, आग लगाकर आग के हवाले कर दिया जाता है, 90% से वो ज्यादा जल जाती है, उसके बाद अस्पताल में आखिरकार दम तोड़ देती है, और उसके अगले दिन चूंकि वो सुर्खियां बननी होती है, सियासतदान सियासी दल किस तरीके से मोर्चा खोलते हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे श्वेता? यही सवाल आज मैंने पूछा कुलदीप, यही सवाल पूछा। देखिए, कई बार है, चलिए आंदोलन होना चाहिए, आगे आना चाहिए, लेकिन आपकी मंशा पर सवाल कब खड़े होते हैं। चलिए, मैं समझ सकती हूँ कि अखिलेश यादव उन्नाव से रिलेटेड है तो वो कह सकते हैं कि हैदराबाद की लड़की के वक्त ट्वीट वगैरह करके रह गए, लेकिन प्रियंका गांधी कहाँ थी? प्रियंका गांधी ने ना हैदराबाद के समय कुछ किया, ना मऊ, ना टोंक, क्योंकि यहां उनकी सरकार है, तो आपने कुछ नहीं बोला। मालदा में भी इसी तरह की घटना हुई, बिहार के बक्सर में इस तरह की घटना, बंगाल में तो रिपीटेड ये घटना हुई बार बार। बिल्कुल, तो आप उस वक्त अगर बोली होती, क्योंकि आप सियासत सूट नहीं करती ना, वहां पर समाजवादी पार्टी नहीं है, इसलिए सपा नहीं है, कांग्रेस का वजूद नहीं है, इसलिए सवाल उठता है कि आपकी मंशा क्या है। आज कह रहे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और ये कि कम से कम प्रियंका गांधी वाड्रा निकली, एहसान कर रही है क्या? एहसान कर रही है निकल के? देखिए, ये जनता को समझने की जरूरत है कि हम किन्हें चुनकर भेजते हैं। मायावती के खुद एक सांसद, उन पर आरोप है और कोर्ट में आरोप कर दिया गया है, अब सजा पर उनकी सुनवाई चलनी है। अब जब पार्टी क्या है, आरोप साबित हो जाती है तो पार्टी से हटा देते हैं। जैसे अभी बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, कहां है ये? देखिए, जेल में है, जेल में है। अच्छा, सजा एक और बड़ी बात श्वेता, ये बताना चाहूंगा, ये समझना भी चाहूंगा आपसे, आप कह रही है ना कि पहले क्यों नहीं आ सकते थे, पहले इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि वो अपनी एसपीजी सुरक्षा को लेकर वहां संसद में पूरी तरह बिजी थे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें दर्जनों एसपीजी सुरक्षा चाहिए, उन्हें चाहिए कि एसपीजी सुरक्षा जो सबसे स्टेटस सिंबल होता है वो उनके साथ रहे, जिसमें 150-200 ना जाने कितने लोग उनके साथ आगे पीछे चले। यही तो सियासत है, इस पर बहस चल रही है। सियासत है कि एक प्रियंका गांधी वाड्रा को एसपीजी की सुरक्षा चाहिए, राहुल गांधी कांग्रेस कह सकते हैं कि ये गांधी परिवार को एसपीजी की सुरक्षा चाहिए। जब आप मजा तब आता श्वेता, मजा तब आता, एसपीजी की सुरक्षा एनालिसिस करके हटा ली उन्होंने, उन्होंने असेसमेंट किया कि कितनी जरूरत है, मुझे नहीं पता उसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है कि नहीं है, लेकिन अभी भी आपको जेड प्लस सुरक्षा मिली है जिसमें दर्जनों आपके पास सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं आपकी सुरक्षा में। मेरे को आप ये बताइए कि एसपीजी की सुरक्षा के लिए इतना बवाल क्यों? आप तब उठ के मुद्दा यह कहती, ठीक है मुझसे हटाना है तो मजलूम लड़कियों को यह सुरक्षा दे दो, उस उन्नाव की जो बलात्कार पीड़िता लड़की है उसको यह सुरक्षा दे दो, तब तो आपकी बात समझ में आती है। यही किसी तो विडंबना है, यही तो विडंबना है सवाल आज आ रहा नहीं, इसलिए तो उठा रहा है कुलदीप, क्योंकि बार बार देखिए हम चौथा स्तंभ है, विसल ब्लोअर कहा जाता है, और आप देखिए मीडिया का जब जब प्रेशर बना है, कोई भी केस हो, निर्भया केस में क्या हुआ, 7 साल तक, अभी देखिए राष्ट्रपति को आके कहना पड़ रहा है कि विधायिका सोचे, दया याचिका पॉक्सो में नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ, यहां तक कि गेस्ट आते बैठते वो कहते हैं पॉक्सो क्या, रेप केस में ही दया याचिका ना हो, हम क्या इससे डिसाइड
करेंगे कि छोटी बच्ची के साथ ज्यादा बदतमीजी। मुझे इन बातों पर भी सवाल खड़ा करने का बिल्कुल मादा है। मैं तो ये चाहता हूं राष्ट्रपति महोदय साहब महामहिम है, देश के पहले नागरिक है, लेकिन क्या सालों बाद इतने केस रोजाना हुए जा रहे हैं, अब जाकर उन्हें लग रहा है कि दया याचिका इस पर नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, इतना स्लो स्टैंड है, मैं कहता हूं ये बहुत पहले बात आ रही थी कुलदीप। अब यही है कि देखिए, जब तक इस तरह के आंदोलन, ये प्रेशर किसने बनाया? मीडिया ने। हम गालियां रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं कि मीडिया कुछ नहीं करती, मीडिया ये परोसती है, बिक गई है, बिक गई है, लेकिन बिना मीडिया का मौका ही मीडिया देती है, नहीं तो ये तो खुद इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैंने यही कहा कि ये हमारी मजबूरी है कि हम प्रियंका गांधी को, इनके कार्यकर्ता कौन से मुद्दे निकाल कर लाते हैं बाहर से? बिल्कुल, मीडिया जो दिखाता है उसी पर तो सियासत करते हैं ये, और फिर उसी को गालियां भी देते हैं। देखिए, इन्हें पता था कि आज सुबह ये सुर्खियां बनेंगी और हम इस पर घेर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सत्ता पक्ष से भी सवाल होता है। जिस तरह से छाती चौड़ी करके कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि जंगल राज खत्म कर दिया हमने, जो अपराधी होंगे उसको ठोक देंगे, ये कहना है तो ठोक देंगे, ये ठोक रहे हैं आप। उन्नाव में ही 11 महीने के अंदर अगर 85 रेप केस, आप कमोडिटी समझ रहे हैं क्या? ये मानसिकता दर्शाती है, ये मानसिकता न सिर्फ सरकार की, पक्ष विपक्ष सबकी समझाती है। और फिर सवाल आ जाता है जनता पर कि हम चुनते क्यों हैं इन्हें, क्यों, क्या मजबूरी है हमारी? फिर देखिए, कुछ जनता क्या है, थोड़े दिन आंदोलन करेगी और उसके बाद एनकाउंटर हो गया, लोग खुशी मनाने लगे। एनकाउंटर में हम खुशी तलाश रहे हैं? एनकाउंटर में खुशी मिलेगी तो क्या कितने एनकाउंटर? और एनकाउंटर में अगर खुशी तलाश रहे हैं तो हमें दुख इस बात का होना चाहिए कि सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। बिल्कुल, पुलिस ना उससे पहले कहीं थी, पुलिस ना उसके बाद कहीं नजर आती है, न्याय व्यवस्था में सालों लग जाते हैं और उस बीच अपने आप को चमकाने के लिए या किसी भी वजह से तमाम केसेस है उठा के देख लीजिए, भवरी देवी हत्या। अच्छा श्वेता, यहां पर मैं एक बात है, जैसे संसद में एसपीजी सुरक्षा को लेकर एक बात चल रही थी, पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री के बेटे चंद्रशेखर के बेटे वो ये कह रहे थे कि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि अगले 11 साल तक मुझे किस बात की सुरक्षा मिलती रही, मेरे को तो कोई जानता भी नहीं था, मेरे साथ गाड़ियों का काफिला चलता था, उन्हें भी एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। और वो इस बात से, हालांकि अब उन्होंने भी बदले, समाजवादी पार्टी में रहे, अब बीजेपी में आ गए हैं, तो दलीलें शायद वो दे रहे हो, लेकिन कह रहे थे कि मुझे बहुत दुख है कि 11-12 साल मेरे पीछे आगे पीछे गाड़ियां चलती रही। क्या जिन लोगों को जानते नहीं, जिनकी लोगों की सुरक्षा असेसमेंट नहीं थी, ये महज स्टेटस सिंबल बनकर नहीं रह गया? ऐसी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये किसने दिया, ये किसने दिया कुलदीप? सवाल ये उठता है किसने दिया? आज अगर ये केंद्र की सरकार ये कहती है कि हमने असेसमेंट किया इसलिए हटाया गया, अब सिर्फ प्रधानमंत्री के पास ये रह गई है एसपीजी सुरक्षा, इस पर आप बात कर लेते हैं, तो सुरक्षा की बात पर आपने असेसमेंट किया, एक परिवार को नहीं मिलनी चाहिए एसपीजी सुरक्षा, ये असेसमेंट हो गया, क्या आप सोए हुए थे? ये केसेस आपके सामने बढ़ते गए हैं, आपकी सरकार रिपीट हुई है, आप छाती चौड़ी करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ, मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री तो क्या मन की बात, अगली मन की बात में वो देश के आधी आबादी को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री? क्या कहेंगे कि हम एक तरफ सुरक्षा का असेसमेंट करके एसपीजी सुरक्षा हटा रहे थे, कार्यभार जो है कम कर रहे थे, बोझ जो है वो कम कर रहे थे, और बेटियां जो देश की आधी आबादी है उनके लिए नहीं सोच पाए। आज देखिए, बीजेपी का हर जो नेता है ना वो खामोश है, बैकफुट पर है आप, इसीलिए आप खामोश है। और देखिए डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाता, खबर क्या आई, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे पहुंची और उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी के फेवर के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें नहीं मिल पा रहा, तो तुरंत दो मंत्रियों को भेज दिया। भाई अभी क्यों भेजा, दिसंबर में लड़की के साथ रेप की घटना हुई और कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तब जाके एफआईआर लॉज हुई। बताइए आपकी सरकार थी। श्वेता, इसमें मैं न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करना चाहूंगा, आप मेरे को यह बताइए कि एक ऐसा सूबा जहां पर आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती हैं और उसके बाद बलात्कार की घटना वाले जो आरोपी हैं जमानत पर बाहर आते हैं और लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, ये न्यायालय को भी पता होता है? हमारे से ज्यादा विवेक रहा होगा उनका, न्यायालय को ये पता नहीं कि जिस लड़कों को आपने जमानत दे दी है, आप कम से कम पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे, आप पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे कि आप सिक्योरिटी दे इस लड़की को। नहीं, उनके हाथ बंधे हुए। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे या फिर हम पुलिस अधिकारियों की बात कर ले, ये दोनों जो है ना, ये आते तो सरकार के भीतर है। अब न्याय व्यवस्था न्याय जरूर करेगी लेकिन लॉ कौन बनाएगा? सदन। उनका कहना है कि ऐसे ऐसे चीजें हैं ना, रेप के केसेस में
इतनी जो केस है वो इतना कमजोर हो जाता है जब तक वो पहुंचता है वहां पर, पुलिस जो है उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है, एक एसआई को पता नहीं होता कि किस तरह से जांच होनी है, सियासत कितने पानी में, वो भी आप समझिए। अखिलेश यादव गेट के बाहर बैठे हैं विधानसभा के और वहां अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये पूछिए गायत्री प्रजापति क्या करते थे। और तो और छोड़िए, जो इल्जाम ये लगाया जा रहा है, इससे पहले वाला जो उन्नाव का मामला है जिसमें ट्रक के जरिए कुलदीप सिंह सेंगर के आरोप है उन पर कि उन्होंने मरवा दिया, उससे पहले गायत्री प्रजापति पर देखिए, पिछले 2014 का वो मामला था, मां के साथ भी रेप हुआ, उसकी बेटी जो माइनर थी उसके साथ भी रेप हुआ, और अब 2018-19 में आकर मां ने कंप्लेंट वापस ले ली है। आपको क्या दो क्लोज आइड जो है, क्या लगता है, नहीं क्या? जो दो सहयोगी हैं गायत्री प्रजापति के उनसे कंप्लेंट वापस नहीं हुई, लेकिन गायत्री प्रजापति से कंप्लेंट वापस हो गई। सवाल उठता है ना कुलदीप की, अब देखिए, अब आप अभी सियासत करने बैठ गए हैं, उसमें क्या कहेंगे, तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं है। देखिए 2022 में चुनाव है, मीडिया यूं ही सवाल नहीं उठाता है, हमारे ऊपर तो आप सवाल लगा देते हैं। आप बताइए, मैं तो जनता से पूछती हूं कि मीडिया अगर काम सही से नहीं कर रहा होता तो जब जब मीडिया ने जिन जिन मुद्दों को उठाया है उसमें उठाकर देख लीजिए, पूरी तरह से परिवर्तन तो तभी होगा जब जनता सामने आ जाएगी। हम सवाल उठा सकते हैं, और आज हम सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों, हमें तो खुश होना चाहिए कि लीडर सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आप कब बोल रहे हैं, 2022 में इलेक्शन है, तो आप यूपी के केस में बोल रहे हैं, मऊ और टोंक के लिए हर कोई बोलता है, कितने दिन, बिहार के लिए श्वेता कल होगा, परसों होगा, तीसरा मामला आ जाएगा, दोबारा कभी रिव्यू नहीं करते किसी मैटर को, ये सियासत बल्कि हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और गांव पंचायत सब में इनके अपने कार्यकर्ता रहते हैं। आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां नहीं रहा होगा। कभी कोई गुनाह बाहर नहीं आता, कभी कोई खबर बाहर नहीं आती, मीडिया ही खबर दिखाती है, उस पर ये सियासत करते हैं और मीडिया को फिर गालियां देते हैं, ये तो सवाल पूरी तरह से जायज है। लेकिन मैं यहां पे ये भी समझना चाहूंगा, यहां पर ये बड़ा जरूरी है, पहली बात तो देखिए, बड़े बड़े पुरोधा नेता किस तरीके से बात करते हैं, आपको जैसे आपसे चर्चा हो रही थी मेरी, मुलायम सिंह यादव, वो ये कहते हैं कि यूपी में जो बलात्कार हो रहे हैं वो तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से रेशियो बहुत कम है, इससे मोटिवेशन मिलता है, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। वो कह रहे हैं कि गैंगरेप तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि गैंगरेप तो एक रेप तो कोई एक कर सकता है, चार कोई रेप करें गैंगरेप, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। पता नहीं ऐसी ऐसी बातों के साथ हमारे पुरोधा नेता, और ये बताइए कि अखिलेश यादव साहब उस दौरान कभी धरने पर ही बैठे नहीं, क्यों बैठेंगे, कभी बैठे कभी धरने पर क्यों बैठेंगे, क्योंकि उनकी पिताजी की स्टेटमेंट तो पूरी जेन्युइन होती है शायद। मैं कहती हूं मायावती उस वक्त ज्ञापन सौंपने क्यों नहीं गई, जब उनके पार्टी के सांसद, जब खुद पता है आप लास्ट में, अभी अभी आप कह रहे हो कि चिन्मयानंद को हमने पार्टी से हटा दिया, हमने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से हटा दिया, अरे भाई टिकट ही क्यों दिया था, आरोप तो पहले से थे कि आपको पता नहीं था, क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैं और आप कुलदीप अगर चले जाए कि हमें बीजेपी की सदस्यता चाहिए, हमें टिकट चाहिए, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। यहां क्या होता है कि भाई ये जो पैसे देके, याद होगा मायावती की पार्टी पर ही आरोप लगा था, खुद उन्हीं के विधायक ने लगाया था राजस्थान में, उसी से जो सांसद हैं आप, नहीं ये तो सांसद पर आरोप है, लेकिन राजस्थान में एक विधायक ने बोला था कि अगर मेरे से ज्यादा मायावती को किसी ने पैसे दिए होते तो मेरी जगह किसी और को, ये तो लगते रहे मायावती ने कुछ नहीं कहा, उस पर मायावती चुप रही, आज ज्ञापन सौंपने पहुंच रही। मायावती बंगाल नहीं गई कभी ज्ञापन सौंपने, क्या उनके देश का वो राज्य नहीं है मायावती? कभी अभी जो केस हुआ उसमें वहां के तेलंगाना के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने नहीं पहुंची, क्या वो उनके देश का राज्य नहीं? वो एक बात समझिए, अभी कुछ साल पहले आपने तस्वीर देखी थी लोकसभा इलेक्शन के पहले तस्वीर देखी थी, जब खुद ममता बनर्जी यहाँ जंतर मंतर पर आई थी और सभी पार्टियों को एकजुट करने के लिए और कैसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, तस्वीर हमने देखा था। और फिर हमने साउथ में भी तस्वीर देखी थी, मंच शेयर किया था जहाँ तमाम बीजेपी के विरोध में जितनी पार्टियां थी वो सारे लीडर, और ये क्या सोशल कॉज में नहीं सामने आना चाहिए इन पार्टियों को? ये सब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नहीं, सियासतदानों की सियासत का स्तर ये देखिए, ये अपने मुद्दे उठाकर अपनी सियासत चमकाना तो खूब जानते हैं, लेकिन पुलिसिंग रिफॉर्म्स को लेकर कई बार बात कैसे करेंगे? कई बार बात हुई, कई कमीशन बने, लेकिन उसमें नहीं, पुलिस तो हमारे नीचे होनी चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि उनके प्रमोशन को लेकर, उनके ट्रांसफर को लेकर बहुत से अलग बोर्ड बने जिनमें सीधी शिकायतें, कंप्लेंट बोर्ड बने, आज तक किसी राज्य ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उसमें बीजेपी की सरकार हो, मुख्तलिफ रीजनल पार्टी की सरकार हो, किसी ने उस पर कोई भी नजरे इनायत नहीं की। अगर इस तरीके से अलग अलग बोर्ड बनते हैं, ये मंशा, ये मंशा दिखाती है, अब जिसको यही पता है, जिस पुलिस वाले को ये पता है कि मैं कुछ करूंगा बिना अपने सियासतदान की परमिशन के बिना, वो तो कल ही मेरा ट्रांसफर कर देगा।
सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में यह था कि कोई भी पुलिस वाला हो कम से कम 2 साल वो निश्चित तौर पर एक जगह ड्यूटी कर सके, तो डायरेक्शन दे सकती है। और आपने देखा है विधायिका और न्यायपालिका की कई बार आमने सामने भी हो गई है चीजें, और विधायिका ने कहा है हमें अपना रोल मत समझाइए, तो ये जब अपने ऊपर आती है ना बातें तो ये यही कहते हैं। अब एक बात छोटी एक और एंगल में दिखाना चाहूंगी कुलदीप, कि देखिए एक आम आदमी मैं और आप शायद हम इतने पढ़े लिखे हैं और क्योंकि मीडिया में है तो थोड़े बहुत कानून को जानते हैं, लेकिन एक आम नागरिक जो रोड पे चल रहा होता है उसे अगर पुलिस पकड़ ले ना या कुछ रोक भी ले तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है कि क्या मैटर है, क्योंकि हमें कानून की जानकारी नहीं है। आपने हमें क्यों पकड़ा, हमसे क्यों पूछा, क्या आप सार्वजनिक तौर पर यूं ही पकड़ के किसी से पूछताछ कर सकते हैं, क्या अभी ऐसे हालात हैं कि आपने मुझे पकड़ा और पकड़े हैं तो आप थाना लेके जा सकते नहीं जा सकते, ये सारी जानकारी अवेयरनेस अगर रहेगी ना तो हम डरेंगे नहीं। लेकिन जब पुलिस ये सरकार यही करती है, ये सरकार यही करती है कि ये अवेयरनेस ना फैले लोगों में पुलिस का भय बना रहे। वो पुलिस के पास अब देखिए कहा जा रहा है कि हैदराबाद की लड़की अगर साइबराबाद पुलिस को कॉल करती तो वो बच जाती, क्यों करती? अब आज अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले मैं घबराऊंगी, तो मैं अपने हस्बैंड को फोन करूंगी, अपने घर वालों को फोन करूंगी, क्योंकि वो इमेज नहीं है पुलिस की, वो क्रेडिबिलिटी बनाई नहीं है पुलिस ने, बिल्कुल नहीं, और ना बनने दिया गया है, ना बनने दिया गया है कि आप पुलिस के पास जाइए, वरना तो विधायकों के पुलिस वालों का, मैं ये नहीं कह रहा सभी को शामिल नहीं कर रहे इसमें, लेकिन वाकई ये मैं नहीं कह रहा, खुद सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में ये कह चुकी है अगर देश का सबसे बड़ा कोई नेक्सस है जो संगठित तरीके से काम करता है वो पुलिस ही है, पुलिस को अपना किरदार समझना होगा और लोगों को भी ये समझना होगा, जिस तरीके से शूट आउट करके एनकाउंटर करके 4 आरोपियों को मार दिया गया, उनके आरोप साबित हो जाते, सिद्ध हो जाते, भले ही उन्हें फांसी की जगह किसी तेल में डाल दिया जाता किसी को, लेकिन ये अपनी इमेज को बचाने के लिए पुलिस ने किया, ये भी सवाल उठना चाहिए श्वेता। देखिए कुलदीप, सबसे बड़ा सवाल यही है, जब इमोशंस हाई रहता है, जब आपके इमोशंस हाई हैं और आपने ऐसा किया, मैंने सभी से पूछा फर्स्ट रिएक्शन क्या था, मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन पूछेगा तो मुझे लगा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुरंत ही दिमाग में दूसरे जो भावना उठी वो ये थी कि ऐसे तो जंगल राज हो जाएगा, क्या हम जंगल, क्या ये जंगल राज में हम जी रहे हैं? आप जनता जो तालियां बजा रही है पुलिस के काम पर, आप ये देखिए, मान लीजिए चार आरोपी हैं, 3 तो उसमें बदमाश है, 1 शायद बच्चा क्लीनर हो और वो उस बात को मना भी कर रहा हो, लेकिन वो उनके उनकी पकड़ में था, हो सकता है वो इस चीज से मना कर रहा हो। मैं तो ये कहती हूँ कि एनकाउंटर अगर इनका किया, भागने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे कितने एनकाउंटर और चाहिए? हाँ। सब जगह भगाओ, तो सब जगह भगाओ और सब जगह गोली मारो। आप बात ये नहीं है, इंसाफ यही होना चाहिए था, सजाए मौत होनी चाहिए। खुद स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से कहा कि सजाए मौत हो रेप के केस में, तो होना चाहिए सजाए मौत, लेकिन इतना त्वरित होता ना तो न्याय व्यवस्था पर हमारा जो भरोसा है वो बढ़ता, और यही तमाम जितने बुद्धिजीवी हैं वो यही कह रहे हैं। समझ नहीं आता कि सियासतदान किस तरीके से सियासत साधते हैं। ठीक है, उन्नाव का मामला बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो जो डॉक्टर साहब का मामला था वो तो तेलंगाना है, दूसरी पार्टी है, सब कुछ दूसरा है, फिर भी सियासतदान नहीं मानते, वो उसी पर घेरते हैं। मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि मुझे मुद्दा चाहिए जो देश में गर्म है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर लोगों के इमोशंस, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, किसी ने वहां के मुख्यमंत्री को नहीं घेरा, वहां की रीजनल पार्टी जो सत्ताधारी है किसी ने नहीं घेरा, क्यों? क्योंकि वो उनके अलायंस की एक पार्टनर बन सकती है, वो तो भविष्य की एक पार्टनर हो सकती है। आप देखिए कितनी बड़ी सियासत, यही जड़ है। ये समझने की जरूरत है कि तमाम राजनीतिक पार्टी जहां जिसको जरूरत पड़ती है अपने अकॉर्डिंग चीजों को घुमा लेता है, और जनता देखिए कितनी बेवकूफ, एनकाउंटर में आप खुशी तलाश रहे हैं, अब कितने एनकाउंटर करेंगे? और मैं पूछती हूँ कि ये तो पुलिस वालों ने मारा था, ये जो भी चीजें होनी है उनको पता है कि क्या पूछा जाएगा, कि गोली यहाँ पे क्यों नहीं मारी, भाग रहे थे तो क्या मरे पड़े हैं और उनके हाथ में आपने पिस्टल रखा है, ये सब उनको पता है, क्या सवाल उनको झेलने होंगे। लेकिन क्या कुलदीप, जिस भाई ने अभी जो बाइट दी कि उसने बोला ये 5 आरोपी जिंदा नहीं रहने चाहिए, तो उसका भाई गोली उठा, बंदूक उठा ले और मार दे, और क्या उसको छोड़ देंगे? क्या छोड़ देगी हमारे हमारे पुलिस वाले, क्या हमारे ये जो न्याय व्यवस्था है वो छोड़ देगी उसे? क्योंकि उसके बहन ने मरते वक्त भाई से ये वादा लिया, राखी बांधती होगी कुलदीप, और यूपी राखी बांधती होगी, क्योंकि हमने ऑपोजिशन को ऑपोजिशन फिर हम पर सवाल उठाएगा कि सरकार को आप बचाते नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने, आप कहते कि आपका जंगल राज जो है वो हमने खत्म कर दिया, सभी अपराधी तेरे खौफ में थे, ये सारे ढकोसला है, एक नंबर का ये ढकोसला है, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, ये लोगों को समझना होगा कि आंदोलन करने की जरूरत है, राज्य सरकार को चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिर्फ टाइम बाउंड काम हो, 3 महीने के अंदर अगर और वहां के बाद सुनवाई पूरी होनी है
तो सुनवाई 3 महीने के अंदर पूरी होनी है, अगले 160 दिन में, अगले 3 महीने में आपने सजा सुनानी। 6 महीने से ज्यादा फास्ट ट्रैक को कोर्ट का कोई ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए, टाइम बाउंड हो, नहीं होनी और चाहिए। अगर आपने फास्ट ट्रैक ने सजा सुना दी तो ऊपर किसी कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते, दया याचिका भी इसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जब होंगी ना और कुछ फांसियां दी जाएंगी उसके बाद देखिए, मैं ये नहीं कहती कि क्राइम फ्री स्टेट हो जाएगा, लेकिन रेट जरूर गिरेंगे और लोगों में एक डर का माहौल होगा और फिर न्याय व्यवस्था पर हमारा भरोसा बनेगा। खैर ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि पार्टी कितनी सियासत कर रही है कि या नहीं कर रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां कहेंगी हमें तो आवाज उठाना चाहिए था, क्योंकि कोई बंगाल में नहीं पहुंचा है अपना मेमोरेंडम देने, ये सारे कोई किसी ने टीआरएस के मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं खड़ा किया, इससे समझ आता है कि ऑपोजिशन सिर्फ मौका ढूंढती है सियासत। चलिए ये छोड़ देते हैं कुलदीप, क्योंकि अब वक्त हो चला है, सिग्नल मिल रहा है बार बार कि अब वक्त हो चला है। ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, जितना बात करेंगे उतना ज्यादा ही हम इसको आगे संवेदनशील मुद्दा, तो इसीलिए जनता पर छोड़ देते हैं, आप डिसाइड कीजिए कि सियासत कितने पानी में। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।